बात शुरू करें इसके पहले जरा नेचर के इस बेहतरीन उदाहरण की वीडियो क्लिप पर नजर डाल लेते हैं। ये वीडियो इंसान और हमबैक व्हेल के बीच हुई बातचीत की है। इस क्वालिटी के अलावा हमबैक व्हेल अपने समुदाय में एक दूसरे से इसी तरह से काफी संचार करती हैं और साथ ही ये गाना गाने में भी सक्षम होती हैं, जिसके चलते इन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान स्तनपाई के तौर पर भी जाना जाता है। इन्हीं सब खूबियों के मद्देनजर वैज्ञानिक ये संभावना जता रहे हैं कि ये एलियंस जैसे दूसरे खगोलीय जीवों से बात करने में सक्षम होंगी। क्या है पूरा माजरा, आइए जरा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत उस कल्पना से करते हैं जिसने व्हेल से जुड़े एक प्रयोग को जन्म दिया। दरअसल अभी तक कोई ऐसा मैसेज या संकेत डिटेक्ट या डिकोड नहीं किया जा सका है जो एलियंस से जुड़ा हुआ कहा जा सके, जिसके बेसिस पर एलियन सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी नाम के संस्थान का कहना है कि अगर एलियंस का अस्तित्व है तो उनसे बात करना उतना ही कठिन हो सकता है जितना कि किसी व्हेल से बात करना। वैज्ञानिक इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि व्हेल पृथ्वी की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है और अपने समुदाय में इसका एक दूसरे से संचार करने का तरीका काफी अलग और शानदार है। अब अगर हम व्हेल से बातचीत नहीं कर सकते हैं तो हमें ये सपना त्याग देना होगा कि हम एलियंस की बातचीत या मैसेज को समझ सकते हैं। इस तरह से अगर हमें एलियंस जैसे बुद्धिमान जीवों से संचार करना है तो हमें अपनी पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीवों को तैयार करना होगा, जिसके मद्देनजर एलियन सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस और अलास्का व्हेल फाउंडेशन के वैज्ञानिकों की टीम ने व्हेल और एलियंस के कम्युनिकेशन की संभावना पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस टीम ने हाल ही में समुद्री स्तनपाई जानवरों के बातचीत करने के सिस्टम की स्टडी की गई, जिसके जरिए ऐसे इंटेलिजेंस फिल्टर विकसित किए गए जिन्हें एलियंस की तलाश में यूज किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान ही हमबैक व्हेल के संचार को समझने के साथ ही इनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया। इसके लिए रिसर्चर्स ने समुद्र में पानी के अंदर स्पीकर रख दिए और हमबैक के कॉन्टैक्ट कॉल की रिकॉर्डिंग चलाई, जिसे सुनकर ट्रेड नाम की एक हमबैक व्हेल टीम की नामों के पास आई और उनका चक्कर लगाने लगी। सबसे खास बात यह है कि इस व्हेल ने न केवल आवाज को सुना और समझा बल्कि हर आवाज पर प्रतिक्रिया भी दी। ट्रेक ने प्रत्येक प्लेबैक कॉल का जवाब दिया, जिसके बाद से वैज्ञानिकों की आशा बढ़ गई। सेटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि वे व्हेल संचार की स्टडी को आगे भी जारी रखेंगे, हमबैक व्हेल को एलियंस के साथ बातचीत करने का तरीका सिखाएंगे, जिसके बेसिस पर वो एक दिन पृथ्वी से परे बुद्धिमान सभ्यताओं के संदेशों को समझ सकेंगे। इस स्टडी में शामिल एक वैज्ञानिक डेविस ने कहा कि हमारा मानना है कि हमबैक भाषा में मनुष्यों और हमबैक व्हेल के बीच ही अपनी तरह का पहले भाषा का आदान प्रदान है। इसके बेसिस पर जानकारों का एक वर्ग ये भी कयास लगा रहा है कि व्हेल ब्रह्मांडीय संकेतों को समझने में सफल होगी, बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करेगी और फिर मनुष्य इन संदेशों की व्याख्या करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उस मैसेज की मॉनिटरिंग करेगा, जिसके लिए सेंसर, पानी के नीचे सुनने वाले उपकरण और स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट समेत कुछ ऐसे टूल बनाए जाएंगे जो हमारी सीमा से परे एलियन संकेतों को डिटेक्ट और डिकोड करने में सक्षम होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।